सर फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप. Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 20th August 2019 Tuesday है, सुबह के 8:10 हो रहे हैं. कल हफ्ते के पहले दिन हमने देखा जबरदस्त पॉजिटिव शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे ही ट्रेडिंग सेशन खत्म होने को आया तो जो हाई निफ्टी इंडेक्स ने दिन भर में लगाया था वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और जो दिन का ओपन था उसके जस्ट नीचे आके क्लोज हुआ. तो अभी यहाँ से नेक्स्ट अगर अपसाइड मूव देखना है तो कहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल है, कहाँ पर मेजर हर्डल है, ये देखेंगे. इंट्राडे के लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये कल का पिक्चर है, यानी 19th August आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के स्ट्रैटेजी, कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,069 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,012. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का चार्ट है. निफ्टी गैप अप ओपन हुआ जो हमारा सेकंड टारगेट था, इसी के बीच में फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के बीच में ओपन हुआ. तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बन रहा था और जैसे ही ये यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ तो हमारा ब्रेकआउट लेवल जो था यहाँ पर एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया और हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद सेकंड टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये निफ्टी इंडेक्स मूव हुआ और कुछ यहाँ पर हाफ सेशन खत्म होने के बाद ये फिर से टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव होने लगा. तो हमारे इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट कल 15 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल यूएस मार्केट नासडैक 106 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट भी देखे तो सभी कल हरे निशान में बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है और चाइना मार्केट और निकेई जापानीज इंडेक्स ये ग्रीन हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. और डाउ फ्यूचर को देखें तो अभी फिलहाल यहाँ पर 19 पॉइंट की हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो फिलहाल पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी एशियाई मार्केट देखे तो एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है. तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. मंथली चार्ट से शुरू करेंगे एक बार. तो यह है मंथली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. तो मार्केट में अभी काफी कुछ न्यूज चल रहा है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, रिसेशन आ सकता है. तो जब भी लास्ट टाइम रिसेशन आया था तभी निफ्टी का चार्ट मंथली चार्ट में क्या पैटर्न बना था, क्या पिक्चर बन रहा था चार्ट का, वो अगर हम एनालाइज करें तो अभी की सिचुएशन क्या है ये हमें पता लग सकता है. तो ये मंथली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं. तो ये जो फॉल आया है यहाँ पर, ये जो फॉल है तो ये 2008 का जब भी रिसेशन आया था तभी ये फॉल यहाँ पर हमें दिखा था. तो इसने पहले तो ये 20 EMA ये जो पिंक लाइन है इसको ब्रेक किया था, उसके बाद में 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है इसे भी ब्रेक किया था और 100 EMA ये जो ग्रे लाइन है इसके पास 4-5 महीने इसने सपोर्ट टेस्ट किया था और फिर बाउंस बैक दिखाया था और अभी 10 साल के बाद इसने एक बार भी 100 EMA को टेस्ट नहीं किया. मतलब जब रिसेशन आया था तभी इसने 100 EMA को टेस्ट किया था और उसके बाद जब भी ये 20 EMA को ब्रेक करता है तो ये जो ब्लू लाइन है 50 EMA का ये इसका सपोर्ट टेस्ट करके ये बाउंस बैक दिखाता है. ये यहाँ पर तीन बार 10 साल में हमने देखा है कि 50 EMA को सपोर्ट टेस्ट करके ये बाउंस बैक दिखाता है. या फिर उससे पहले ये जो पिंक लाइन है, ये पिंक लाइन इसका सपोर्ट टेस्ट करके ये बाउंस बैक दिखाता है. अभी लास्ट कुछ महीनों में इलेक्शन के पहले भी हमने देखा कि 20 EMA को काफी ये टेस्ट कर रहा था एज अ सपोर्ट और फिर इसने एक बाउंस बैक दिखाया. तो अभी भी फिलहाल ये जो इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है तो इसके हिसाब से ये अभी भी यहाँ पर 20 EMA के पास बना हुआ है, यानी रिसेशन का पीरियड है ये जब तक कहा नहीं जा सकता जब तक ये 20 EMA को ब्रेक करके मंथली चार्ट में इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो यहाँ से और भी पैनिक मूव हमें देखने को मिल सकता है. फिर रिसेशन का पीरियड यहाँ से और आ सकता है ये कहा जा सकता है. टेक्निकली ये हम बात कर रहे हैं, टेक्निकली चार्ट में अगर ऐसा पैटर्न बनता है 20 EMA के नीचे कंफर्टेबली क्लोज होता है
और आने वाले समय में ये 50 EMA तक पहुंच जाता है तो हमें यहाँ से रिसेशन का पीरियड देखने को मिल सकता है। लेकिन हालांकि अगर मंथली चार्ट में देखें तो कई बार इसने 20 EMA को सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया है। तो रिसेशन के पीरियड में क्या होता है, और अभी जब ये पॉलिटिकल टेंशन चालू है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है या फिर ट्रेड वॉर की समस्या है, तो इसका ये जो असर देखने को मिल रहा है तभी इसके कारण ये 20 EMA तक ये निफ्टी इंडेक्स अभी यहाँ तक पहुंच गया। तो अगर इससे भी अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से पैनिक मूव और यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये मंथली चार्ट का है सिनेरियो। चलते हैं वीकली चार्ट में। यह वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में हमने देखा है लास्ट वीक यहाँ पर हैमर जैसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अभी ये यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। ये मिड टर्म मूविंग एवरेज और ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है इसका सपोर्ट 10,770 के पास आ रहा है, और ये ब्लू लाइन जो है ये मिड टर्म मूविंग एवरेज का लाइन है 50 EMA का, ये अराउंड 11,200 के पास आ रहा है। तो इस फेज में ये जो रेंज है इसमें यहाँ पर ये कंसोलिडेट यहाँ पर साइडवेज मूव हमें देखने को मिल सकता है। इस रेंज के अंदर ये सपोर्ट का काम कर सकता है और ये ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अभी कल इसने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया। कल हमने डिस्कस किया था ये यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है इसका हाई और लो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। तीन ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। कल भी इसने ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये जो 20 EMA का ये जो लेवल है ये इस बियरिश कैंडलस्टिक का जो हाई था 11,145 इसी के पास एग्जैक्ट आ रहा था, और सेकेंड टाइम है इसने 20 EMA को एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया है और फिर से अभी ये टुवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखा रहा है। तो अगर कल का ये लो ब्रेक करता है तो फिर से ये टुवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकता है, और जब तक ये बियरिश कैंडलस्टिक का लो ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ से और भी टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हमें नहीं दिखाई दे सकती। सपोर्टिव इंडिकेटर्स की बात करें तो मैगडी अभी फिलहाल डेली चार्ट में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, लेकिन जीरो लाइन के नीचे है, यानी डाउन ट्रेंड में ये पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये रिकवरी हो सकती है, ये अपसाइड मूव, ये जो अपसाइड मूव आया है ये रिकवरी हो सकती है। तो यहाँ से फिर से एक बार रेजिस्टेंस टेस्ट करके ये फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हो सकता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग ओवरनाइट पोजीशन बाय में करना है तो यहाँ पर वेट करना होगा जब तक ये 20 EMA के ऊपर ये कंफर्टेबली सस्टेन नहीं करता, क्योंकि 20 EMA के ऊपर ही यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, तो ये भी अराउंड 11,183 के पास आ रहा है। हमने वीकली चार्ट में देखा कि ये 50 EMA का ये जो लाइन है ये भी अराउंड 11,200 के पास आ रहा है। तो 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज और वीकली चार्ट में 50 EMA लगभग एक ही लेवल के पास आ रहा है, तो 11,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये है फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये 60 मिनट का चार्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ 5-6 दिन हो गए यहाँ पर एक अपसाइड मूव दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर मैं इसका ट्रेंड लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ये लो और इस लो को पकड़ के, तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर बॉटम्स इस ट्रेंड लाइन को मैच हो रहा है, तो यानी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एग्जिस्ट हो सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पर हम उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से अपसाइड मूव आ सकती है। अगर पास्ट में अगर आर्ली चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ से ये जो डाउनफॉल आया था उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से इसने कोशिश की थी कि अपसाइड मूव आने के लिए, लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया टूवर्ड साउथ की तरफ तो यहाँ से और हमें गिरावट देखने को मिली। अभी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर ये जो डाउनफॉल आया है इसके बाद अभी यहाँ से फिर से एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी ये ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है ऐसे तो और भी टुवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव दिखाई दे सकता है, लेकिन हालांकि यहाँ पर क्लियरली हायर बॉटम्स बन रहे तो चांसेस है अगर ये जो स्विंग हाई बना है इसको अगर ब्रेक करता है इसके ऊपर अगर चला जाता है तो यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है, और अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ये फिर से ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें टुवर्ड साउथ की तरफ मूव देखने को मिल सकता है।
तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है? अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो पहले तो पिवट पॉइंट का एक रेजिस्टेंस है, फिर 100 ईएमए का रेजिस्टेंस है, तो इसे क्लियरली पार करने दीजिए, ब्रेक करने दीजिए। यानी 11,090 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये हम इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,121, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,141, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये जो कल का लो है इसी के पास ये 50 ईएमए का ब्लू लाइन आ रहा है, तो इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है, कल के लो के नीचे 11,038 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, इमीडिएट फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर अराउंड 11,018, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट, ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है, तो एक छोटा सेकेंड टारगेट होगा हमारा 11,000 के पास, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।